तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे आलू की फूली फूली कचौरी। इस कचौरी को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और इस तरह ये सॉफ्ट और टेस्टी कचौरी बनके तैयार होती है। तो हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। यहाँ देखिए, ये हमारा गेहूं का आटा है। हमारे यहाँ रामभोग का आटा गेहूं का बिल्कुल बेस्ट मिलता है, तो वही हमने लिया है। साथ में हमने 1/2 चम्मच इसमें अजवाइन हाथों से मैश करके और इस तरह हम ऐड कर 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे, यानी हम 5-6 ग्राम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इस तरह मैदे में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बीच में हम जगह बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये ज़्यादा नहीं, 6-7 ग्राम बेकिंग पाउडर है। यहाँ हमने घी को पहले गर्म कर लिया है, 1/4 कप ऐड किया है। ग्राम में बताइए तो ये 80 ग्राम है। यहाँ हमने 1 कप गुनगुना सा पानी लिया है, जो आधा ऐड कर दिया, आधा हम बचा के रख लिए हैं। हम थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पे ऐड करेंगे। और मैदे का वेट हमारा 320 ग्राम है, मतलब हमारे कप में 160 ग्राम मैदा आता है। तो ये मैदा हमारा 320 ग्राम है और इसका मुलायम सा डो बना लेंगे, जिससे कचौरी स्टफिंग आसानी से हो जाती है। तो इस तरह थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे और इसको हम मुलायम सा मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने मैदा गूंथ के तैयार कर दिया। अब ये मैदा हमारा ना ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा मुलायम है, तो कप में हमारा 50 ml तक पानी बच गया है, मतलब हमारा 200 ml पानी इसमें लग गया। अब इसको हम एक लिफाफे में डाल के और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 10-20 मिनट हम पड़े रहने देते हैं, जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे आलू का। हम आलू की कचौरी स्टफिंग करेंगे। तो आलू की कचौरी जो होती है सिर्फ हम 1-2 दिन खा सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी बनती है। और दाल की कचौरी जो होती है हम कई दिनों तक खा सकते हैं, हम स्टोर करके रख के भी खा सकते हैं। तो आज हम सिर्फ आलू की कचौरी बनाएंगे। तो यहाँ हमने 4 पीस आलू पहले से उबाल कर छील कर तैयार कर लिया है। इसको हम कद्दूकस कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हम कद्दूकस कर देंगे और तड़का लगा के हम अपनी फीलिंग तैयार करेंगे। साथ ही एक सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे। यहाँ 1 प्लेट में हमने 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच हमने साबुत धनिया ऐड किया है। और इधर देखिए, यहाँ 1 चम्मच हमने काली मिर्च भी ऐड किया है और साथ में हमने 4 सूखी मिर्च साबुत ऐड किया है। साथ में हम 2 इलायची ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को अच्छी तरह तावे पे हम भून लेंगे। तो जीरा धनिया अच्छी तरह भून जाए, एकदम हल्का सा ये काले रंग का हो जाए, तो हमारे मसाले का बिल्कुल टेस्टी स्वाद आता है। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल तावे में हल्का हल्का धुआँ सा भी निकलने लगा है और इस तरह जीरा धनिया हमने भून लिया। इस मसाले को हम प्लेट में ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम मिक्सी की जार में ऐड करेंगे। और इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा हम उसको मोटा रखेंगे, दरदरा रखेंगे। तो ये देखिए, हमने मिक्सी करके तैयार कर दिया। अब ये हमारा मसाला बहुत टेस्टी तैयार है। अब एक कढ़ाही रखेंगे और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। गैस हमने मीडियम फ्लेम पर ऑन किया है और इस तरह हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। और ये देखिए, सबसे पहले हम इनमें हींग ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हींग का पाउडर होता है, इस तरह हम ऐड कर देंगे तेल में। अब ये देखिए, पूरा लाल हो जाता है जब, तब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ ऐड कर देते हैं और इसको भी हम ब्राउन कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद ये भी लहसुन भी हमारा ब्राउन हो जाता है। उसके बाद में हमने 3 पीस हरी मिर्च और 1 गंडी हमने अदरक बारीक बारीक कट के इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी थोड़ी देर हम भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम भूनते जाएंगे और इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाता है जब, हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा हल्दी, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम ऐड किया, और 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड किया लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मतलब मिर्च जो साबुत होता है, ये मोटा पीसा हुआ था, इसको चिल्ली फ्लेक्स कहा जाता है। तो इस तरह हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम थोड़ी इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी हमारी बहुत टेस्टी स्वाद लाता है, तो यहाँ हमने कसूरी मेथी ऐड किया है। साथ में हमने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया। अब ये हमारा तड़का भून के तैयार है। अब इसमें हम अपने आलू ऐड करेंगे, जो हमने कद्दूकस करके रखा है। तो ये देखिए, इस तरह हमने आलू ऐड कर दिया और इसको हम मिक्स करेंगे। तो इस तरह आलू को हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम जो मसाला पहले भून के तैयार किया है, मिक्सी करके ये ऐड करेंगे। इससे हमारे जो स्टफिंग है बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो बाद में हम हरी धनिया और इसमें आमचूर पाउडर 2 चम्मच ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर से हमारे जो स्टफिंग है ज़्यादा चटपटे
और खटास जे बन जाते हैं। तो इस तरह ये हमारी स्टफिंग मिक्स करके तैयार कर लेंगे और इसको हम एक ट्रे में फैला देते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ हमारा सारा स्टफिंग मिक्स हो गया है, आलू का तड़का हमारा बेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको एक ट्रे में डाल देते हैं और इस तरह फैला देते हैं, थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए। बस इसको छोटे छोटे गोले से बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम मैदे के बीच में स्टफिंग करेंगे पेड़ियों के बीच में। तो पहले इसको हम गोले बना लेते हैं जिससे स्टफिंग करने से हमें आसानी होती है। तो यहाँ हमने सारे स्टफिंग के गोले से बना लिए हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, हमने पहले जो मैदा गून के रखा था इसको देखे थे, ये लिफाफे में हमने रख दिया है और मैदा अच्छी तरह सेट हो गया है। इसको हम एक चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे। ये देखिए, इस तरह हमारा पट्टा होता है, ये हलवाइयों का बड़ा पट्टा होता है। तो इस तरह बड़े पट्टे पे रख लेंगे और इसकी पेड़ियाँ तोड़ लेंगे। जितने छोटे साइज के बड़े साइज के आपको कचौरी बनानी है उस साइज के हम पेड़ियाँ तोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने 15 पीस तक हमने तोड़ दिया है। अब एक एक पीस को हम एक कटोरी जैसा, मतलब हम बाउल जैसा, छोटे छोटे कटोरियाँ होती हैं, इस तरह हम मैदे का आकार बना लेंगे और इसमें हम ये स्टफिंग डालते जाएंगे। ऊपर से इस तरह हम बंद भी करते जाएंगे, ये आसानी से ऊपर मैदा खींचते जाते हैं और इसका मुंह बंद हो जाता है। ये देखिए, इसका मैदा ऊपर से आप निकाल भी सकते हो, जो हम स्टफिंग करते हैं निकाल भी सकते हो, बीच में भी दबा सकते हो। तो इस तरह हमारी कचौरी स्टफिंग होती है। ये देखिए, इस तरह हम छोटी सी कटोरी जैसा बना लेते हैं और इसके बीच में हम अपनी फीलिंग भर देते हैं। ये देखिए, फीलिंग भरते हैं, ऊपर से खींचते मैदा चारों तरफ से चले जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब इसके ऊपर मैदा पड़ जाता है, वो निकाल भी सकते हो और इसके बीच में भी दबा सकते हो। ये देखिए, इसको हम अगर निकाल लेते हैं, ये देखिए इस तरह निकल भी जाता है, उसके बीच में भी डाल सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह इसको फ्लैट अच्छी तरह कर लेते हैं। अब ये हमारी कचौरी स्टफिंग इस तरह हो गई। आप भी इस तरह अपने घर में आसानी से बना सकते हो। आलू की कचौरी सबके घरों में बनती है और ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। दाल वाली कचौरी होती है तो थोड़ी ज़्यादा देर तक चलता है, लेकिन आलू की कचौरी सिर्फ आप एक दो दिन खा सकते हैं, क्योंकि आलू बीच में ख़राब भी हो सकती है और दाल वाली नहीं ख़राब होती। आप दाल वाली भी बना सकते हो और आलू की भीलिंग चटपटी बना के इस तरह कचौरी बना सकते हो। तो हम ये गेहूं के आटे से स्टफिंग भर के तैयार कर लिया है। अब ये देखिए, यहाँ हमने लो फ्लेम पे गैस ऑन कर दिया और इस तरह हमने कढ़ाई ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाता है तो हमने इसमें एक बैच हमने इस तरह छोड़ दिया है, बिल्कुल मीडियम सेक पे इसको डालना होता है। जब हमारा ऑयल बिल्कुल कम गर्म हो तभी डाल देते हैं। जब ये ऊपर आ जाता है तो धीरे धीरे ये फूल फूल के और डब्बा सा बन जाता है। तो इस तरह हम इसको मीडियम सेक पे अच्छी तरह ब्राउन करते हैं। इसको फ्राई करने में काफ़ी समय लग जाता है, लगभग 20-25 मिनट लग जाते हैं। इस तरह हमने पहला बैच फ्राई करके तैयार कर दी। ये देखिए, बिल्कुल खस्ता और सॉफ्ट, अंदर से बहुत टेस्टी कचौरी बन के तैयार है। अब यहाँ दूसरा बैच भी हम ऐड कर देंगे। अगर ऑयल आपका गर्म हो तो दोबारा आप ठंडा कर लीजिए। तो यहाँ हमारा ऑयल बिल्कुल कम गर्म होता है तभी अपना बैच हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह हम अपना बैच ऐड कर दिए। अब ये देखिए, धीरे धीरे फूल के ऊपर आ गया और पूरा डब्बे जैसा फूल जाता है, अंदर से पूरा सॉफ्ट बन जाता है। तो इस तरह हमने दोबारा दूसरा बैच भी पका के फ्राई करके तैयार कर लिया है और ये देखिए, अंदर से पूरे सॉफ्ट बन के तैयार है। तो इस तरह आलू की कचौरी चटपटी आप अपने शॉप पर बनाइए या आप अपने घर में बनाइए। तो इस तरह की चटपटी कचौरी आप आसानी से बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।